हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोडिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं और अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही सीखना चाहते हैं, आपके पास पीसी नहीं है, तभी भी आप अच्छे तरीके से कोडिंग आप सीख सकते हैं और एक न्यू तरह से कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो कि मैं 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ। जब से मैंने विंडोज़ फ़ोन लिया था 2015 में, तब मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करता था। ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है सोलो लर्न, और इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आपको ये ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, और विंडोज़ फ़ोन में ये आपको वेब स्टोर पे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये आपको सभी एंड्रॉयड डिवाइस पे या फिर सभी डिवाइसेस पे आपको मिलने वाला है। लैपटॉप में ये आपको नहीं मिलेगा, इसका वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आप सोलो लर्न के मदद से अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं मोबाइल डिवाइसेस के लिए आप किस तरह से जो प्रोग्रामिंग है वो अपने डिवाइस पे कर सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ये जो एप्लीकेशन है ये फर्स्ट पेज इसका ओपन होगा, लर्न वाला सेक्शन रहेगा, और जो भी यहाँ पे आपको कोडिंग सीखना है उसके लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे ऊपर मेन्यू पे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेज और कोर्सेस जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपनी पसंद के मुताबिक जो चीज़ें हैं और कोर्सेस है या फिर लैंग्वेज कह लो, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ फ्रेमवर्क भी मिल जाते हैं, कुछ यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पे कोर पाइथन जो आपको सीखना चाहिए। अगर पाइथन में आप सीखना चाह रहे हैं तो आपको पहले कोर जो बेसिक है उसका वो आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली हैं इसमें, जैसे कि बेसिक्स होते हैं, इसके बेसिक्स आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ पे इसमें आपको रीडिंग के लिए भी मटेरियल मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको चलिए एक एक करके मैं दिखाता हूँ क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पहले इसमें ध्यान रखना है और करते जाना है। और अगर आप ट्राई कर रहे हैं कोडिंग्स में जाने का, क्योंकि आगे जो टेक्नोलॉजी आगे जाने वाला है वो यहाँ पे हर फील्ड में जाने वाला है, और हर फील्ड में जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे यूज़ में किए जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर पार्ट है टेक्नोलॉजी का वो ज़्यादातर यूज़ करा जाता है, वही सबसे ज़्यादा काम करता है, एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो आगे जाके जो एप्लीकेशंस हैं, वेब ऐप्स हैं, ये ज़्यादा काम आने वाले हैं। AI एप्लीकेशंस के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ही जो बेसिक नॉलेज लेना होगा, और यहाँ पर आपको बेसिक जो कोडिंग है वो स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें पाइथन में, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वेलकम टू पाइथन ये एक आपका फर्स्ट लेसन होगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट आपको यहाँ से मिल जाता है, जैसे कि वेलकम टू पाइथन। इस तरह से इस एप्लीकेशन में आपको इसका थोड़ा जो डेफिनेशन है वो मिल जाएगा कि पाइथन एक्चुअली में क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद एप्लीकेशन न्यूमरस एरियाज इंक्लूडिंग वेब प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग। इस तरह से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो सारी चीज़ें हैं इस तरह से आपको हर एक लैंग्वेज का क्या जो इसका डेफिनेशन है, किस चीज़ में यूज़ किया जाता है वो भी आपको दिखाएगा। सो यहाँ पे आपको सारे जो इंपॉर्टेंट रीडिंग्स है वो आपको मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन सच एज गूगल, नासा, द CIA एंड डिज्नी, ठीक है। तो यहाँ पे इन कंपनीज़ के द्वारा, इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये यूज़ करा जाता है उनके प्रोग्राम्स में या फिर कहे उनके सॉफ्टवेयर में जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो यहाँ टेक्नोलॉजी में ये जो पाइथन है और ये कहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में, उनको अपग्रेड और बेटर बनाने में। और यहाँ पे जो पाइथन है उसको अलग अलग एरियाज़ में भी यूज़ करा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है AI में यूज़ करा जाता है, साइंटिफिक कंप्यूटेशन जो होता है उनमें यूज़ करा जाता है। तो काफ़ी इसका बहुत आगे फ्यूचर है, तो यहाँ पे आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं इस चीज़ की। बेसिक यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अब चलिए अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपने यहाँ से रीड करा है उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉल्व करते ही ये जो क्वेज है वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ पाइथन इज़ अ, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या सेट एडिटिंग टूल है या डेवलपमेंट एनवायरमेंट है। तो यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो इसी तरह से आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे ये आपके लिए प्रिंट टेक्स्ट करने के लिए एक छोटा सा कोड आपके सामने आ जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट हेलो वर्ड छोटा सा इसका कोड आ जाता है। अभी यहाँ पे आपको इस कोड को समझना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल भी मिल जाता है, प्लस आपको कोडिंग भी मिल जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी एडिशनल इसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट आपको करना होगा। यहाँ पे जैसे कि प्रिंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट हाई, जैसे कि ये जो क्विज में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो आंसर है वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हम इस तरह से इसको चेक कर पाएंगे। इसी तरह से आपको जो और सारे जो क्वेजेज हैं वो आप सॉल्व करते जाएंगे, उसी तरह से इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें आपको एक एक्सपी मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिस एक्सपी 5, यहाँ पे 5 एक्सपी मिलेगा। जैसे ही आप इस कोड को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे रिजल्ट जैसे ही आएगा तो यहाँ पे आपको एक जो एक्सपी है वो मिलता जाएगा। और ये जो एक्सपी है इसका रोल इस एप्लीकेशन में बेसिकली ये है कि यहाँ पे जब आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो एक्सपी है वो ऐड होता जाएगा और आपका जो बैज प्रोफाइल है यहाँ पे वो यहाँ पे कंप्लीट और बेटर होता जाएगा। जैसे कि आप देखोगे डेली आप इसको यूज़ करोगे तो इस तरह से आपको इसमें स्केड्यूल मिल जाता है जो आपको ट्रैक करता है डेली कि आपने इस एप्लीकेशन को यूज़ करा है या नहीं। प्रोग्रेस एंड गोल्स ये पहले यहाँ पे शो होता था, अब जब से ये एप्लीकेशन पेड हो गया है तब से इसमें ये जो फीचर्स हैं कुछ कम हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी ट्राई फॉर फ्री, आप इसको फ्री में यूज़ करिए, फ्री में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेंट अचीवमेंट्स, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो भी कोड आपने किया होगा वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जो भी अचीवमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, तो देखिए कोर्स प्रोग्रेस आपको दिखाता है यहाँ पे, जो भी कोर्स आपने ट्राई करे होंगे एक बार आपने उसको ओपन किया होगा उसमें आपने कंप्लीट किया होगा तो वो भी आपको दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग के जो 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन और सी, इसके बाद यहाँ पे ये जो दोनों हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जो मेरी कोडिंग्स हैं वो यहाँ पे अभी प्रोग्रेस में हैं और यहाँ पे कुछ कंप्लीट भी हो चुकी हैं और यहाँ पे कुछ अवेलेबल कोर्सेज हैं जो कि मैंने अभी स्टार्ट नहीं करे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें और भी सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, पाइथन फॉर बिगिनर्स, पाइथन फॉर डेटा साइंस, आर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, कोडिंग फॉर मार्केटर्स। सो इस तरह से आपको जो कई सारे कोर्सेज होते हैं ना वो सब आपको इसमें मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें देखिए आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलता है। जब भी आप एक कोडिंग की लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं तो देखिए यहाँ पे HTML, CSS, JavaScript, responsive web design, इस तरह से जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जब इन क्विजेस को आप कंप्लीट करोगे, बेसिक्स को आप क्लियर करोगे। इसके बाद हम देखें तो सी एक्टिविटी में आप जाओगे तो यहाँ पे आपका जो भी एक्टिविटी है वो यहाँ पे शो होगा, पूरे वीक का और यहाँ पे पूरे मंथ का जो एक्टिविटी होगा वो यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट में अगर हम जाएंगे सी मोर में तो ये आपका पूरा ओवरव्यू प्रोफाइल जो है वो आपको यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी तरह से कोड बाइट्स, सॉल्यूशंस, पोस्ट आप जो भी कर रहे हुए, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो वीडियोस बनाया था वो कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जो कोडिंग से रिलेटेड या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जानने वाले हैं वो इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो भी आप करोगे वो यहाँ पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐड करने के बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में किसी को समझाना है तो आप दे सकते हैं। रिलेवेंट टैग आप डाल सकते हैं जिसकी मदद से जो पोस्ट है आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और आपका जो सवाल का जवाब है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आंसर आ पाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको आंसर वाला सेक्शन मिल जाएगा, ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, क्वेश्चन पोस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे इसी तरह से कई और लोग भी हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, कोडिंग करते हैं, उनके भी जो सवालों के जवाब जब मैं यहाँ पे देता हूँ तो यहाँ पे मुझे सारे जो आंसर है वो यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट में अगर हम जाएंगे तो कॉमेंट्स में यहाँ पे शो होंगे, जो भी हमारे पोस्ट पे या फिर जो आंसर है उन पर कमेंट करता है तो वो सारे कमेंट्स मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे। लेसन्स मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे जिनको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ या फिर सीखता हूँ। सो इस तरह से ये इसका एक फुल ओवर व्यू है आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है क्रिएट, यहाँ पे आप अपना एक खुद का कंप्लीट कोड है तो वो आप राइट कर सकते हैं किसी भी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद आप कोड राइट कर सकते हैं और आप उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं और किसी कोड या फिर कहें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, कोई कोडिंग से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती है उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, तो ये इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लीडर बोर्ड है, यहाँ पे आप जो भी कोडिंग करोगे तो वो आपका जो प्रोफाइल है वो थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये पब्लिकली है। इसके बाद ये कम्युनिटी फीड है, यहाँ पे आपको जो चैलेंजेस होंगे वो आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा और जो भी आपको कम्युनिटी में जो भी चीज़ें होंगी वो पढ़ने के लिए भी मिल जाती हैं, प्लस यहाँ पे कोड कोच मिल जाता है। इसका बेसिकली यूज़ ये है कि यहाँ पे आपको जो सवाल होंगे वो यहाँ पे आपको सॉल्व करने होंगे, उसके बाद आपके जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए फीड है, यहाँ पे आप कोई भी पोस्ट डालना चाहो, कोई सवाल है या फिर आप कोई भी नई चीज़
पोस्ट करना चाहो तो वो आप पोस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। ये भी एक सोशल मीडिया की तरह काम करता है। नेक्स्ट अगर हम जाएँ तो यहाँ पे लर्न वाले सेक्शन में ये आपको ओनली वहाँ पे कंटिन्यू करता है जहाँ पे आपने जो प्रीवियस जो भी कोड था अपना वहाँ पे आपने छोड़ दिया था, तो वहाँ पे आपको ये ले आता है और इसके बाद अब वहीं से आप अपना जो कोड है वो कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको कोई भी और लैंग्वेज पे स्विच करना है, आपने सपोज़ कि कोई पाइथन जो है कंप्लीट कर लिया है, तो आप जावा सीखना चाहें जावा में जाइए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से इसमें भी जो लेसन्स है वो मिल जाएंगे और इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस तरह से क्विज़ मिलेंगे, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे कि देखिए अगर आप किसी क्विज़ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और आप उसमें अटक जाते हैं और आपको उसका जो सोल्यूशन है वो नहीं आ रहा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये एक कोई क्विज़ है जिसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आता है और यहाँ पे आपको बड़ा कोड है, ये अभी तो ये फ़िलहाल के लिए छोटा सा एक कोड लिखा हुआ है, लेकिन सपोज़ कीजिए यहाँ पे कोई बड़ा लेंथी कोड है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक हिंट वाला ऑप्शन, हिंट भी आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके जो वाइट्स है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर का ऑप्शन है, तो आंसर पे अभी आप क्लिक करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। सो देखिए इस तरह से यहाँ पे जो इंक्रीमेंट का जो साइन है वो यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे लग चुका है और यहाँ पे देखिए करेक्ट हो चुका है आपका आंसर। आप चाहें तो यहाँ पे स्वाइप अप करके कमेंट्स में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एप्लीकेशन है ये आपको हर तरह से हेल्प करता है अपनी कोडिंग की जर्नी को कंप्लीट करने में, या फिर कोडिंग में आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करना है तो उसमें आपको हर तरह के जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ही छोटे और बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको जो पढ़ने के लिए मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है। तो आप बेसिक जो अपनी लैंग्वेजेस का है वो यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो, इसके बाद आप चाहें तो किसी भी वेबसाइट से या फिर कहीं किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें कुछ और चीज़ें एडवांस में सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए जो कि आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए इसमें आपको लगभग सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती हैं, कंडीशंस हो जाती हैं, फॉर लूप्स वगैरह, और इसमें एरे है, इसके बाद यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरह से आपको लगभग सारी चीज़ें जो कि बेसिक्स में कवर होती हैं वो सब आपको मिल जाती हैं। अब चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। देखिए आप जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए CSS का किया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे JavaScript होगा। सो इस तरह से देखिए ये जो आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट फिनिश्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस तरह से आ जाएगा। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर हम जावा का देखें या फिर मैं आपको दिखाता हूँ, सो ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का, तो यहाँ पे इस तरह से आपको कोड मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं URL आपको मिल जाएगा, इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं, एक PDF फाइल में भी आ जाएगा। सो इसी तरह से ये जो एप्लीकेशन है सोलो लर्न काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसके साथ साथ और भी ऐप्स जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर करे हुए हैं तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन लगा, इससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो सीखी हैं तो आप भी इसी की मदद से सीख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये जो बाइट्स है बाइट्स के बारे में यहाँ पे देखिए हाउ टू अर्न मोर बाइट्स, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 तरीके मिल जाते हैं जिसमें आप कोड सॉल्व करते हैं या फिर कोई आंसर करते हैं या किसी क्विज को कंप्लीट करते हैं तो ये चीज़ें आप ये अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो चीज़ें अर्न करने के बाद ये आपको आगे इसमें मदद करेगी, अगर आपका जो कोई कोड है वो सॉल्व नहीं हो पाता है इनकेस तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है जो कि आपकी सारी जो कोडिंग की लैंग्वेजेस हैं उनको बेसिक में आपको पूरी तरह से कवर करवा देता है और यहाँ पे आपको जो एक स्टार्टअप बूस्ट है वो आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था वीडियो किस तरह से आप एंड्रॉयड फ़ोन पे अपने फ्री में कोडिंग सीख सकते हैं, उसके जो सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है एडवांस में, अगर आपके पास PC है उस पर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं वो आप वॉच करिए, मेरी वेबसाइट है आप वो विजिट करिए, आपको जो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और डिटेल्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।